सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेट एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। सबसे पहली बात तो भाई ये समझो कि वेट का मतलब क्या होता है। वेट का मतलब होता है कि जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचे उसको वेट बोलते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट में, अब यहां मतलब मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सैटेलाइट में अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कंसिडर करने लग जाएंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। वेट मतलब क्या होता है? यहाँ एक तो होता है अपेरेंट वेट। तो सैटेलाइट में यदि मैं ऊपर सैटेलाइट में अपना वजन नापूंगा तो कौन सा वजन आएगा? अपेरेंट वेट आएगा। तो क्या वो ट्रू वेट है क्या? बिल्कुल नहीं। अपेरेंट वेट जो वजन करके आएगा प्रैक्टिकली, वो जो वेट आएगा वो किस चीज को कंसिडरेशन में लेके आएगा? एक तो एम जी डैश, सपोज करो ये अर्थ है और यहाँ सैटेलाइट है, घूम रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? एम जी डैश। जी डैश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइट पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई? मान लो ये वी स्पीड से जा रहा है या फिर ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या लगता है? ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम, ठीक है ना। तो जब अपन सैटेलाइट में बैठ के अपना वेट नापेंगे बाय यूजिंग अ वेइंग मशीन, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आएगा एम जी डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम। बट दिस इज नॉट अ ट्रू, दिस इज नॉट द ट्रू वेट, दिस इज अपेरेंट वेट। तो ट्रू वेट का मतलब क्या है? ट्रू वेट का मतलब सिंपली एम जी डैश है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई कि भाई अपने को सिंपली एम जी डैश की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमको डेटा पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस हाइट पे होती है। नहीं, अगर डेटा पता है, मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में अपना समय बिल्कुल मस्त वेस्ट करना, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। करना क्या है, देखो, एच हाइट पे रहती है और एच की वैल्यू होती है 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। कैसे कैलकुलेट होती है हाइट? तो बड़ा सिंपल होता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जिसकी रोटेशनल स्पीड, पहली बात तो जियो स्टेशनरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? केवल और केवल इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रोटेशनल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होती है जो अर्थ की होती है। तो बेसिकली हमें ओमेगा पता होता है, 2 पाई रेडियन पर 24 आवर। तो ये एम और एम गया तो आर की वैल्यू निकल के आती है जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का पावर 1/3। ये आर आया है, ध्यान रखना, रेडियस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ आया है। इसको जब मैं, ये जो भी आएगा वैल्यू, इसको जब मैं 64,000 किलोमीटर से माइनस करूंगा तब जाके मेरे को हाइट मिलेगी, और वो हाइट 36,000 किलोमीटर आती है। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, केवल कैलकुलेशन काम आएगी। यहाँ पर आप लोग को जी की, या तो भाई एच की वैल्यू को पुट करो सीधा, और या तो फिर ये जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ इस पूरी कैलकुलेशन को करो, फिर आर की वैल्यू निकालो, फिर आर की वैल्यू निकालने के बाद आर माइनस 6400 किलोमीटर करोगे तो एच की वैल्यू आएगी, उसके बाद पुट करो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूँ, मिटाओ इन सब चीज़ों को। जैसे ही अपने को हाइट की वैल्यू पता चल गई, अब सिंपली एम जी डैश विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर, खत्म। एच की वैल्यू रख दोगे 36,000, आर की वैल्यू रख दोगे 6400, जो भी आंसर आएगा वही सही आंसर रखना है।